आखिर जो पेशेंट कोमा में होते हैं वो आखिर खाना कैसे खाते हैं? यह वकील लोग आखिर काले रंग का ही कोट क्यों पहनते हैं, किसी और रंग का क्यों नहीं? और व्हीकल के इंडिकेटर लाइट हमेशा ऑरेंज कलर की क्यों होती है, किसी और कलर की क्यों नहीं? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और लाइक के बटन को तोड़कर सब्सक्राइब के बटन की भी जान ले लेना यार। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 12। दोस्तों अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते होंगे और खाना ऑर्डर करने के बाद आपको उसका वेट जरूर करना पड़ता होगा और शायद आप उस टाइम में अपने फोन को जरूर से यूज करते होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ अगर आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं करते तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट रेस्टोरेंट वालों की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ। नंबर 11। क्या आपको पता है कि टाइगर की टंग पर बहुत सारे धारदार और मुड़े हुए सख्त बाल होते हैं और अगर टाइगर हमारी चमड़ी को सिर्फ अपनी जीभ से चाटता है तो हमारी चमड़ी शरीर से निकल जाएगी, इसलिए तो कहता हूँ भाई इन्हें दूर से ही देख के भाग जाया करो। नंबर 10। दोस्तों ट्विटर के लोगों में आपने पक्षी देखी होगी, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह नहीं आया कि आखिर ये जो पक्षी ट्विटर के लोगों में है इसका आखिर नाम क्या है? तो भाई इस पक्षी का नाम लैरी है। जी हाँ। नंबर 9। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि लॉयर आखिर ब्लैक रंग का कोट क्यों पहनता है, किसी और रंग का क्यों नहीं? देखिए किसी भी घटना में ब्लैक कोट पहनने का मेन रीजन यह है कि अंधेरा शक्ति और अधिकार से जुड़ा यह एक रंग माना जाता है। ब्लैक कलर सेल्फ अब्सॉर्प्शन के साथ जुड़ा हुआ है। वकील न्याय के लिए अपने अबॉट को दिखाने के लिए ब्लैक पहनते हैं, जैसे पुजारी भगवान के साथ अपने एलम को दिखाने के लिए काले रंग के कपड़े पहनते हैं। नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्लैटवर्म एक ऐसा जीव है जिसके सर कट जाने पर दोबारा नया सिर आ जाता है और पुराने सिर की सारी यादें उसके नए सिर में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है। जी हाँ। नंबर 7। क्या आपको पता है कि अगर सूरज फट गया तो हमें लगभग 8 मिनट 20 सेकंड तक पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है, क्योंकि लाइट और ग्रेविटी को हम तक पहुंचने में इतना समय लगता है। फिर उसके बाद पृथ्वी अपने कक्ष से बाहर निकल जाएगी और मानव जाति पृथ्वी से भाप बनकर उड़ जाएगी। नंबर 6। दोस्तों आपको शायद यह लगता होगा कि ब्लू व्हेल आखिर इतनी बड़ी है तो उसका माउथ भी बहुत बड़ा होगा, तो फिर आप लोग एकदम गलत हो। जी हाँ। एक ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उसके माउथ का साइज सिर्फ 20 फीट यानी 6 मीटर तक ही होता है, और मैं ये एक एडल्ट ब्लू व्हेल की बात कर रहा हूँ। क्यों जानकर होगा ना तुम लोग भी एकदम हैरान। नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पॉजिटिव व्यक्ति की तुलना में नेगेटिव व्यक्ति के शरीर पर दवाइयाँ भी आसानी से असर नहीं कर पाती, क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति के शरीर के फाइबर भी उसके सोच के अकॉर्डिंग ढलने लग जाते हैं और फिर उस व्यक्ति का शरीर दवाइयों को भी जल्दी से रिसीव नहीं कर पाता है। नंबर 4। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं वो आखिर खाना खा कैसे पाते हैं? देखिए एक गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब जो पेट में छोटे छेद होता है जिसके मदद से ट्यूब डाली जा सकती है और लिक्विड ड्रिंक के रूप में एडिशनल पोषण दिया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में पोषण के लिए किया जाता है जो कोमा में है या अदरवाइज गैस्ट्रोस्टोमी से पहले खाने में असमर्थ है। व्यक्ति को पेट में ओरली रूप से या नाक के माध्यम से फीडिंग ट्यूब के जरिए खाना खिलाया जाता है। नंबर 3। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाइफ बॉय सोप को बैन किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों का कहना यह है कि यह सोप इंसान की स्किन के लिए डेंजरस मानी जा सकती है। वहाँ के लोग इस सोप का इस्तेमाल अपने पेट्स की सफाई करने के लिए भी करते हैं। नंबर 2। पुराने समय में लोग बर्तन साफ करने के लिए जिस चूल्हे की राख का इस्तेमाल करते थे वही राख अब बादाम की कीमत में ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर डिश वॉशिंग वुड ऐश के नाम से भी बेची जा रही है। जी हाँ। और इस राख की कीमत 250 ग्राम के लिए 400 रुपए बताई गई है और इस पर डिस्काउंट लगने के बाद में इसका प्राइस 160 रुपए प्रति 250 ग्राम की गई है। नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि व्हीकल्स के इंडिकेटर पर ऑरेंज कलर ही क्यों होता है? देखिए सबसे स्पेशल रंग लाल पहले ही ब्रेक्स की लाइट के लिए चुना होता है, तो सबसे कठिन कंडीशंस में विजिबिलिटी के मामले में ऑरेंज और येलो कलर अगले सबसे अच्छे रंग में माना जाता है। चलती गाड़ी बड़ी ताकतवर चीज होती है, इसमें उन्हें इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है जो बहुत लंबी दूरी से भी आसानी से दिखाई दे जाए। तू समझा? नहीं, इसलिए उन रंगों को उपयोग करने की आवश्यकता है जो कम दूरी में अपनी वेवलेंथ या विजिबिलिटी को ढीला नहीं करते हैं। इसी वजह से इंडिकेटर्स में एम्बर कलर का यूज किया जाता है। देखो एम्बर कलर और ऑरेंज कलर लगभग सेम ही होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मैं जरूर से बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कितनी बार बोलूंगा यार, कर दो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब। चलो मैं मिलता हूं आपको जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल समझा।